पिछले कुछ दिनों से दुर्ग के इंदिरा मार्केट में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही थी, जिन्हें संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने चोरों की पतासाजी की एवं तफ्तीश के बाद दो चोरों को, जो कि दुर्ग के स्थानीय निवासी है, उन्हें गिरफ्तार किया। चोरों ने कई दुकानों में चोरी करना कबूल किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए दुर्ग के CSP ने मीडिया को कुछ इस तरह से बताया। दुर्ग में अभी मोहन नगर थाना और कोतवाली थाने के अंतर्गत कुछ चोरियां हुई थी, जो हमारे लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए जो चोर हैं उन्होंने वो दिन में रेकी कर यहाँ छोटी मोटी चोरियां कर रहे थे, जो शटर को उठाकर अपना एक रॉड नुमा जो उसका प्रयोग कर रहे थे सब्बल का, और उसमें अंदर घुसकर ये चोरियों को अंजाम दे रहे थे। इस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार करते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था कि इसको तत्काल हमें चोर को पकड़ना है, जिसके लिए हमारे मुखबिर लगे हुए थे और हमारी पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही थी। इस बीच हमें एक CCTV हाथ लगा, जिसमें से साइड फेस उस युवक का दिखा, जिसको हमने अपने मुखबिरों से तस्दीक किया, और तस्दीक करने के पश्चात उसकी पहचान शेख सलीम और शेख मुख्तार के नाम से हुई है, उसके जो केलाबाड़ी के निवासी थे। ऐसी पहचान होने के बाद तत्काल उनकी घेराबंदी कर उनको पकड़ा गया। तो आसपास में कोतवाली क्षेत्र में कुल 6 चोरियां उन्होंने करना स्वीकार की, और मोहन नगर में एक चोरी उन्होंने की थी, जो दुकान जूता किराना दुकानें जूता दुकानें और फल सब्जी की दुकानें जो थी अनाज दुकानें, उसमें इन्होंने चोरियाँ छोटी मोटी चोरियाँ की थी। लेकिन ये चोरी लगातार होने के कारण जो आसपास के व्यापारीगण हैं वो भी परेशान थे, और अब फाइनली हमने उन चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है, और ये दोनों को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया है।